प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने 17वें दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आ रहे हैं और प्रधानमंत्री कुछ देर में वाराणसी पहुंचेंगे और उसके बाद संत रविदास मंदिर बीएचयू में कार्यक्रम करने के साथ ही डिरेका में जो इंजन का इनॉग्रेशन करना है वो करने के बाद सीधे रोहनिया के ओड़े गांव में स्थित सभा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां 2907 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात अपने संसदीय क्षेत्र को देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पुलवामा में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ उसको दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस बल काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और काफी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है ताकि कहीं से कोई चूक ना हो। एक एक आदमी को प्रॉपर सिक्योरिटी चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। जिनके पास पासेस नहीं है उनको भी एंट्री नहीं है, जिन लोगों का सिलेक्शन किया गया उनको भी विशेष पास जारी किए गए और उसके बाद ही इनको एंट्री दी जा रही है। दिव्यांगों की भी बड़ी संख्या है क्योंकि यहाँ पर आज दिव्यांग इक्विपमेंट्स भी प्रधानमंत्री को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इसके साथ ही कई योजनाओं की सौगात भी वाराणसी को देनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा के मद्देनजर आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कहीं से कोई कमी ना हो। आप साफ देख भी सकते हैं पुलिस कहीं से कोई चूक ना रहे। जो गाड़ियां खड़ी हैं उनको भी हटाने का काम किया जा रहा है। लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। फिलहाल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ देर में वाराणसी पहुंचेंगे। आप सामने देख सकते हैं बम स्क्वाड के जो दस्ते हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, जो सेना के हैं। बम स्क्वाड के दस्ते भी यहां पर लगाए गए हैं और प्रॉपर सिक्योरिटी चेक हो रहे हैं ताकि कहीं से कोई लैग सामने ना दिखे। फिलहाल सारी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर मुस्तैद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है और सुरक्षा व्यवस्था हर जगह से टाइट कर ली गई है। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।